जल्दी से उठते हैं, समय पर भोजन खाते हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं, जिस हाथ से हम मुंह को साफ कर रहे हैं उन्हीं से भोजन नहीं करते हैं, जिन हाथ से हम कपड़ों को साफ कर रहे हैं उसी को हम चेहरे पर नहीं लेकर के जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ कौन बता रहा है? अध्यापक समझा रहे हैं, उसे एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। और जब उस बच्चे को पड़ोस में देखेंगे वो लोग, तो पड़ोसी क्या कहेंगे? देख फलाने का बच्चा बहुत अच्छा है, कितना सुशील है, तेज आवाज में हमने बोलता हुआ नहीं देखा है, गली में घूमते हुए नहीं देखा है, लड़ाई झगड़ा करते हुए हमने नहीं देखा है, वो स्कूल बड़ा अच्छा है, उसकी मैडम बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, हम भी अपने बच्चे को वहीं डालेंगे। और एक पेरेंट्स देख रहा है, अरे उस स्कूल का बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, गली में जब लड़ाई झगड़ा करता रहता है, चोरी करके लाया था, वहां पर उसका पुलिस केस हो गया, वहां पर उसको उस बहन बेटी को छेड़ दिया, वहां पर उसने इसको ये फेंक दिया, उस पर थूक दिया, उसको गाली दे दी, अरे वहाँ क्या पढ़ाई होती होगी, वो क्या पढ़ाते हैं, तो शिक्षा तो देते नहीं है, इसलिए मैं भी अपने बच्चे को वहां से निकाल दूँ। तो अध्यापक कौन है? किताबों की पढ़ाई बाद की है। पहली पढ़ाई कौन सी है? पहली पढ़ाई है कि बच्चे और माता पिता के मन को जीतना, उनके अंदर संस्कार डाल देना, उनको अपने विद्यालय में, हमारे विद्यालय में 1000 बच्चे हैं, 1200 क्यों नहीं, 1400 क्यों नहीं, 1800 क्यों नहीं, वो कैसे हो सकते हैं, कब होंगे? जब ये हो सकते हैं, जब हम रेस्पॉन्सिबल होंगे, हमारा ह्यूमन व्यवहार ठीक होगा, हम क्रिएटिव बच्चे को बनाएंगे, हम बच्चे के अंदर की हिचकिचाहट को निकालेंगे, हम पिछली बेंच पर बैठे हुए बच्चे को भी हम बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बेटा जवाब दो, समझाएंगे, उसकी कॉपी में कहीं पर गलत है तो हम गोला नहीं लगाएंगे, अंडा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसी गलती को हाथ से ठीक करेंगे, उस बच्चे को अपने पास बुलाएंगे, उसी बच्चे से हाथ से मिटवाएंगे, उसी बच्चे के हाथ से लिखवाएंगे, ताकि वो बच्चा आगे भविष्य में गलती ना करे। यदि आपने गोलाकार अंडा लगा दिया और घर पर कोई बताने वाला नहीं है, तो भविष्य उसका क्या होगा? वो गलती गलती पर गलती, गलती पर गलती, और एक दिन क्लास में फेल हो जाएगा, परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने बेहतर अध्यापक बनना है, इन मानवीय गुणों को अपनाना है, और अपने विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब स्कूल में होंगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आपकी लिविंग स्टाइल भी अच्छी होगी, आपका और वार्तालाप भी अच्छा होगा, इंक्रीमेंट भी अच्छे लगेंगे, और जब विद्यालय में बच्चे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? आज इतना स्टाफ है, जब ज़्यादा बच्चे होंगे, इसमें 1000-2000 बच्चे पढ़ेंगे, तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं रहेगी, और फिर डॉक्टर एपी सिंह को फिर बुलाओगे कि सर हमें ऐसे टिप्स और दे दो, और बता दो कि और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी बात क्लियर है, इन बातों के साथ धन्यवाद करते हैं, आपको बधाई देते हैं, ये हमने अपनी मित्रता में थोड़ा सा हमने ये सोचा कि ये बात हमें करनी चाहिए, इसलिए हमने कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया।